टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। ये हम तैयारी करा रहे हैं DSSSB की, TGT की, PGT की, GIC की, जिसका जो पेपर है वो 20 जून को प्रस्तावित है GIC का, और हमारी क्लास आज चलेगी 32। तो देखिए, हम जो करा चुके हैं, हमने कराया है पार्शल फ्रैक्शन हमारा चल रहा है, और आज इसका या कल इसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि पार्शल फ्रैक्शन में एक टॉपिक बचता है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको आने भी चाहिए। आपको बस देखते ही आइडिया होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे तो जो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, आज जो मैं फॉर्म कराऊंगी पार्शियल फ्रैक्शन की, तो देखिए उसमें ना बहुत सारी फॉर्म होगी। ये होगी आपकी ए प्लस बी कॉस एक्स की, ठीक है, एक होगी ए प्लस बी साइन एक्स की, और एक होगी स्क्वायर की। ए यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और एक फॉर्म हो जाएगी आपकी जहां पर सिंपल आपकी जो है, जैसे सपोज करो लिखा है 4 cos x + 5 sin x, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ये सॉल्व होगा, जो मतलब कि मैं ही आपको करके दिखाऊंगी, आप अपने आप ट्राई करिएगा। ये और ये, यानी कि तीन मेथड मुझे आपको कराने हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीन फॉर्म हम लेकर चलेंगे, अन तीनों फॉर्म को ही सॉल्व करेंगे। तो तीनों फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी इसका सोल्यूशन पूरा आपके हाथ में आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आता है, और ये वाले, यानी तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते ही इंटीग्रेशन के। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी कॉस एक्स को, इसके स्क्वायर फॉर्म भी करेंगे, एक स्क्वायर फॉर्म भी कर लेते हैं जहां लिखा होगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले चलो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फॉर्म है यहाँ पर फॉर्म वन, फॉर्म फर्स्ट क्या है आपकी, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ए और बी की जगह कुछ भी हो सकते हैं, कोई न्यूमेरिक टर्म हो जा सकती है, या यहाँ पर लिखकर आ सकता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी हो सकता है। मैं वेरिएबल वाले, कॉन्स्टेंट वाले लेकर चल रही हूँ, जिससे कि आसानी हो, क्योंकि अगर टिपिकल सीखेंगे तो इजी वाले जरूर सीख सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देखना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये अपने आप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप कॉस स्क्वायर एक्स देखें, आप इसको कॉमन ले लेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं से थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा यहां पर ए। देखिए अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेनी तो वो डिवाइड होता उस चीज से, तो यहां पर अगर डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर एक्स, लिख देती हूँ पहले, तो 1 अपॉन cos² x हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 1 अपॉन हुआ, 1 अपॉन तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec² x। ओके, और सेम यहां पर जो होगा ये 1 अपॉन cos² x हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी sec² x बन जाएगा, और ये b हो जाएगा। ओके, अब हमारा काम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, बट ये तो sec² x है, ये किसका होल स्क्वायर है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन है, ये उसका टेन का, बट यहाँ तो sec नहीं है। हम जानते हैं sec को हम टेन में ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने सीधे सीधे ब्रेक कर लिया, क्या sec² x तो ऐसे ही रहा, और ये हो गया a बीच में 1 प्लस tan² x, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है sec² x का क्या होता है, टेन sec² x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan² x। ओके, अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा और सही से करके लिख देते हैं, sec² x अपॉन a, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अलग लिख देते हैं, a प्लस b और प्लस a tan² x। ओके, ये आ गया। अब मैं इसको, मेरा आसान हो गया, देखिए मैं tan को क्या मान सकती हूँ, tan x को t मान लिया, tan x इक्वल टू t, और sec² x dx = dt, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन वाला रूल हमने बताया था, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। तो ये देखिए, ये तो हमारा ऊपर वाली टर्म हो गई, हमने क्या लिखी, dt अपॉन a प्लस बी और ये प्लस a t²। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए मुझे क्या करना है, ये यहां चला जाए, क्योंकि ये खाली t² बन जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, dt अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, लेकिन मुझे कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो नीचे आएगा, 1 अपॉन a बाहर आ गया, ये हो गया प्लस t² तो मैं इसको e² टर्म कुछ भी रख सकती हूँ,
और इसका सीधा सीधा से एक फॉर्मूला बना सकती है, तो रूट में रख ले, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने रूट में रख लिया, वन अपॉन ए अंडर रूट डी टी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए प्लस टी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया फिर, तो यानी कि मेरे पास हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए का फॉर्मूला क्या है, ये रूट में, तो वन अपॉन ए ये नीचे जाएगा और ये रूट ए ऊपर आ जाएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है टी अपॉन ए, ए कितना है रूट ए प्लस बी अपॉन ए, बट टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया वन अपॉन ए, रूट से खत्म कर दूं तो ए अंडर रूट में ए प्लस बी टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए प्लस, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये सिंपल सिंपल फॉर्म है, ये वाली फॉर्म सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे से कॉमन लेकर इसका आंसर लिख देना है। और ये आपका क्या हो गया, अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से, चलो इसकी एक ट्रिक बनाते हैं, हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है वन अपॉन ए ए प्लस बी टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो अगर हम इसको क्योंकि ये बार बार आप याद भी रख सकते हैं, एक आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आप सीधा सीधा से याद रख लेगा, हमारा क्वेश्चन था वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला याद हो जाएगा ये, और क्या हो गया आपका टेन इनवर्स हो गया, यानी कि आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, आपको इस वाले का फॉर्मूला ये याद रखना है, मतलब वन अपॉन ए यहां पर अगर टू आया थ्री आया इसी के हिसाब से आप क्या कर देंगे इसका आंसर ब्रेक कर लेंगे। ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये है हमारी सेकंड फॉर्म, हम सेकंड फॉर्म लेकर चलते हैं ये वाली। ओके दूसरी फॉर्म है फॉर्म टू, फॉर्म टू लेकर चलते हैं। देखिए फॉर्म टू का क्वेश्चन है वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। अब यहां पे अगर कॉस स्क्वायर होता तो हम कॉमन ले लेते और सेक बन जाता, बट अगर हम कॉस कॉमन लेंगे तो ये सेक एक्स बनेगा और सेक एक्स का कोई काम नहीं होता क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है टेन का सेक स्क्वायर एक्स। तो हम जब भी ये देखते थे कि हमारा कोई खाली रखा होता या कॉस रखता है तो हम कॉस और साइन के फॉर्मूले यूज करते थे, याद हो तो। अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर यहां पर सपोज करो ऐसे लिखा होता है a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स, तो हम क्या करते हैं यहां पर वन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर साइन का लगाते हैं, और कॉस लिखा होता है तो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं वन वाला, जिससे होल स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करते हैं यहां पर ये काम कर लेते हैं, a प्लस बी कॉस एक्स हमारा क्वेश्चन है, ये हम लेकर चल रहे हैं, तो हम यहां क्या कर लेते हैं जो a की वैल्यू है, क्योंकि हम कॉस का फॉर्मूला क्या करेंगे कॉस टू एक्स होता तो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख लेते, लेकिन क्योंकि कॉस एक्स है तो हम क्या करेंगे बाई टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए की जगह यानी वन की जगह क्या लगाएं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके केवल हमने ब्रेक किया है वैसी फॉर्मूले में जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। फिर क्या है कि आप साइन स्क्वायर वाला एक साथ कॉमन ले लो और कॉस स्क्वायर वाला एक साथ कॉमन ले लो, तो हमने पहले क्या किया साइन स्क्वायर वाला एक साथ कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा कितना ए माइनस के बी प्लस, अब हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा ए प्लस बी। अब हम बस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया है, अब हमें क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लेना है, हमने कॉमन ले लिया, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लूंगी तो अंदर ऊपर जाके क्या बनेगा सिंपल वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के जैसे पहले था सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहां कितना बनेगा वन, यहां बनेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्योंकि कॉमन ले रहे हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, फिर से वही कर लो
क्या करना है, इसको इसके नीचे ले आओ और ये क्वेश्चन बन गया पहले जैसा। अपॉन इसको यहां लिख रही हूं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके देखना है पहले वाला बन गया, इसको रूट में लगाओ, इसका स्क्वायर लिखो और ये रूट का स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे से यहां पर टेन एक्स को टी मानना है, हमने टेन एक्स बाई टू को टी माना, टी मानती हमारा क्या बन गया, ये देखिए कॉमन भी लेना पड़ेगा यहां पर, ये a माइनस बी कॉमन ले लेना, a माइनस बी। ओके ये हो गया sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, वन बाई टू भी आएगा, वन बाई टू इक्वल टू डी टी। ओके तो ये हो गया आपका ये वाली टर्म, तो क्या बन गई, वन अपॉन a माइनस बी टू पर डी टी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और आपको सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, टू अपॉन ए माइनस बी, ये हमने फॉर्मूला यूज किया तो यानी कि वन अपॉन ए, वन अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, रूट माइनस ए बी का ऊपर और रूट ए प्लस बी ऊपर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स को मैं अभी देखिए डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूं, टेन एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखिए अब हमारा आंसर देखिए कंपेयर करते हैं, आंसर में कंपेयर करूंगी तो देखना ये वाली फॉर्म और इस वाली फॉर्म में दोनों फॉर्म एक सी आई है, ठीक है, और इसके साथ भी टेन इनवर्स आएगा, ये देखिए टेन इनवर्स है। तो आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितने भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे इन स्क्वायर वाले क्वेश्चन में टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और सिंपल सिंपल आपका क्या हो जाएगा, जो a की वैल्यू है यानी कि आप a और b ले रहे हैं तो a माइनस बी ऊपर आएगा और a प्लस बी नीचे आएगा और टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका आंसर भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन है वन अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए अभी अभी मैंने कराया है, आप कुछ नहीं करना, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना, यहां से एक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और आपको टेन एक्स को टी लेना है और इसका पूरा आंसर करना है, यानी कि आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, देखना ये आएगा ऐसे, ये sec स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन ए, यानी कि ये बी अपॉन ए, और हमारी पिछले क्वेश्चन में भी क्या आता था, ये आया था, ठीक है। तो यानी कि आपने सीधा से उल्टा करके फॉर्मूला रखा है, आपको क्या करना है, ये उल्टा करके फॉर्मूला रखना है तो सीधा आंसर आएगा ए अपॉन बी रूट में, और ये आपका ए आएगा, ये भी रूट में आएगा, ठीक है, और टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन रूट बी अपॉन रूट ए। ये सिंपल आंसर है, देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर निकल गया, क्योंकि हमने तीन चार क्वेश्चन कर लिया और ये ट्रिक है, पूरी ट्रिक हो गई। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म है वो ले लेते हैं, देखिए जो लास्ट फॉर्म की क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, वो है जैसे वन अपॉन क्या लिखा है, ट्वेल्व कॉस एक्स प्लस ये ले लेते हैं हम, ये आ गया आपका थ्री ले लेते हैं, देख लेते हैं पूरा फॉर्म हमारे, यानी कि रूट स्क्वायर बनना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहां ले लेते हैं हम फाइव, फाइव और साइन एक्स। ओके तो देखिए ये फॉर्म का जो क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिंपल है दोनों आने चाहिए, कॉस और साइन दोनों आएंगे अगर, तो पहले इनके जो ए और बी हैं इनका रूट कर लेंगे, कितना, वन स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169 इक्वल टू 13, यानी कि हमें क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ओके ये हमें फॉर्म लेकर आनी है, क्योंकि जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हमने कोई एक एंगल ले लिया अल्फा, ओके अल्फा एंगल लेने पर हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए साइन का फॉर्मूला जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और क्योंकि देखिए यहां पर 13 आएगा, यहां पर आपका 12 आएगा, ये आपका 5 आएगा,
और कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसे इंग्लिश में लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, ठीक है। और ये हो गया आधार यानी कि बेस बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेंस, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ये 12 है तो हम क्या इसको लिख देते हैं, देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, रूट की जो है मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों से नीचे से, यानी कि मैंने क्या करा यहाँ पे लिखा 12 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25 कॉस एक्स प्लस 5, ठीक है। इसी के नीचे भी यही 144 प्लस 25 साइन एक्स। अब मैंने इसको डिवाइड करा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करूंगी, मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखना 169, तो ये पूरा आंसर आ गया 1/13 1/12/13 कॉस एक्स प्लस 5/13 साइन एक्स। तो अभी आनते हैं कि अभी 12/13 की मैं किसकी वैल्यू बता रही हूँ और 5/13 की किसकी वैल्यू बता रही हूँ। ओके तो देखना, ये हमारा जो है 12/15 यानी कि मैं इसके साथ ये किसकी वैल्यू है 5/13 कॉस एल्फा साइन एल्फा कितना होता है लम बटे कर्ण, यानी कि लम कितना हो गया आपका, ये हो गया 12। ओके 12/13 यानी कि यहां तो आएगा साइन, यहां आएगा कॉस, तो ये कितना हो गया 1/13 ये हो गया साइन एल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स, ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बी साइन बी का फॉर्मूला, यानी कि 1/sin, चाहे तो हम साइन में लिख सकते हैं कॉस में लिख सकते हैं, साइन हो गया साइन हो गया, ये प्लस का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया एक्स प्लस एल्फा का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, डीएक्स लगा लेते हैं, ये हो गया 1/13 इंटीग्रेशन कॉसक एक्स प्लस एल्फा डीएक्स, और कॉसक का फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है हमारा लॉग में, तो हमारा आंसर आ गया 1/13 लॉग 10 एक्स प्लस एल्फा बाई 2, ये पूरा आंसर आपका आ गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैंने ये आपको सारी फॉर्म करा दी है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें डिवाइड कराते हैं इंटीग्रेशन में, वो फॉर्म हम कल कराएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।